नागपुर हलचल में आपका स्वागत है। तो अब नजरें डालते हैं नागपुर के विभिन्न हलचल पर। एक बार अपराध दर्ज हो जाने के बाद पुलिस का काम खत्म नहीं होता। इसके आगे दोष को साबित करना पुलिस की कर्तव्य दक्षता का प्रमाण माना जाता है। इसलिए अपराधों की जांच इस तरह से करें कि दोष सिद्धि की दर बढ़े। राज्य के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने शुक्रवार को राज्य पुलिस को ये निर्देश दिए। वे नागपुर पुलिस मुख्यालय में राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में बोल रहे थे। बैठक में उन्होंने नागपुर और गढ़चिरौली पुलिस बलों के कामकाज की समीक्षा की। उन्होंने बैठक में कहा कि मामला दर्ज करते समय पुलिस को घटना पर कड़ी नजर रखनी चाहिए और अंतिम रूप से अपराधी को खोजने पर ध्यान देना चाहिए। एक बार अपराध हो जाने के बाद अपराधियों के मन में डर होना चाहिए कि वे कानून से बच नहीं पाएंगे। किसी को पुलिस की कार्यकुशलता पर उंगली उठाने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए। महाराष्ट्र पुलिस की कार्यशैली के बारे में भ्रम पैदा करने वालों को पारदर्शी तरीके से व्यापक जनसंपर्क के साथ जवाब देना चाहिए। बैठक में विशेष पुलिस महानिरीक्षक डॉक्टर छेरिंग दोरजे, दोनों परिक्षेत्र के सभी पुलिस अधीक्षक व पुलिस उप अधीक्षक समेत अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति रही। सांसद सांस्कृतिक महोत्सव समिति द्वारा आयोजित सांसद ट्रॉफी एकल प्ले प्रतियोगिता में कुल 24 एकांकी नाटकों का मंचन किया जाएगा। 2 साल बाद थिएटर खुलने के 3 दिन बाद 24 एकांकी नाटकों का मंचन होने से उत्साह का माहौल है। प्रतियोगिता 28 से 30 अक्टूबर तक लक्ष्मीनगर के साइंटिफिक हॉल में होगी। सांसद सांस्कृतिक महोत्सव समिति के प्रतियोगिता के लिए 24 संगठनों से आवेदन प्राप्त करने के बाद कार्यक्रम जारी किया गया। शुक्रवार की शाम को शिक्षक सहकारी बैंक के सभागार में ड्रॉ निकाला गया। इस समय समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर अनिल सोले, सचिव जयप्रकाश गुप्ता, भाजपा सांस्कृतिक आघाड़ी के अध्यक्ष अभय देशमुख, समिति के सदस्य किशोर पाटिल और भोलानाथ सहारे उपस्थित थे। घोषित कार्यक्रम के अनुसार 28 अक्टूबर को 7 एकांकी नाटक, 29 अक्टूबर को 9 और 30 अक्टूबर को 8 नाटकों का मंचन किया जाएगा। प्रतियोगिता सुबह 9:30 बजे से रात 9:30 बजे तक होगी। आयोजकों ने कहा कि प्रतियोगिता के कार्यक्रम की जल्द ही घोषणा की जाएगी। हालांकि 3 दिवसीय प्रतियोगिता साइंटिफिक हॉल में होगी, लेकिन इसका समापन 4थे दिन 31 अक्टूबर को रेशमबाग के सुरेश भट्ट हॉल में होगा। खास बात यह है कि इन 4 दिनों में नागपुर के लोग लगभग 300 कलाकारों की भागीदारी से एक ही उत्सव का अनुभव कर सकेंगे, ऐसा मानस प्रोफेसर अनिल सोले ने व्यक्त किया। हम सेवानिवृत्ति के बाद वरिष्ठ नागरिकों का जीवन सुखद बनाने का प्रयास कर रहे हैं। घर के बाहर और घर में वरिष्ठों के जीवन में खुशी और संतोष पैदा कर जीवन को सुखद बनाना चाहिए। इस आशय के विचार केंद्रीय सड़क राजमार्ग और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने व्यक्त किए। वे यहां पूर्व नागपुर भाजपा की ओर से स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के अवसर पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयोजित सत्कार समारोह में बोल रहे थे। इस अवसर पर विधायक कृष्णा खोपड़े, अरविंद शाहपुरकर, गाय धने, रमेश गिरडे, जयप्रकाश गुप्ता आदि उपस्थित थे। गडकरी ने कहा कि जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा हो जाता है, उसकी भूमिकाएं बदल जाती है। जो लोग इन बदलती भूमिकाओं के अनुकूल होते हैं वे खुशी से जीते हैं और जो अनुकूल नहीं करते हैं वे परेशानी में हैं। सभी वरिष्ठ नागरिकों को सेवानिवृत्ति के बाद बेहतर जीवन के लिए प्रयास करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि वह वरिष्ठ नागरिकों के तीर्थ यात्रा के लिए बस की व्यवस्था करेंगे। गडकरी ने कहा कि वरिष्ठों के व्यायाम के लिए उद्यान विकसित किए गए हैं। उन उद्यानों में व्यायाम के उपकरण भी उपलब्ध कराए गए हैं। हर दिन सभी वरिष्ठ नागरिक एक साथ आए और व्यायाम करें। चेंबर के पूर्व अध्यक्ष व चुनाव के उम्मीदवार प्रकाश वाधवानी ने समर्थन प्राप्त करने हेतु अनाज बाजार में रैली निकालकर व्यापारियों से मुलाकात की। कहा कि सभी अनाज व्यापारियों ने प्रकाश वाधवानी का पुष्पहार पहनाकर स्वागत किया तथा नागपुर फ्रूट डीलर्स एसोसिएशन ने समर्थन पत्र देकर अपना समर्थन जाहिर किया। प्रकाश वाधवानी को एपीएमसी चुनाव हेतु नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स के साथ साथ दी होलसेल ग्रैंड सीड्स मर्चेंट्स एसोसिएशन, फ्रूट मार्केट, आलू प्याज मार्केट, दाल मिल एसोसिएशन, सब्जी मार्केट, मिर्ची मार्केट, मसाला एसोसिएशन, कलमना धान्य गंज दाल मिलर्स एसोसिएशन का भी समर्थन मिला है। इस अवसर पर चेंबर के अध्यक्ष अश्विन मेहाड़िया, सहसचिव स्वप्निल अहिरकर, दी होलसेल ग्रेन एंड सीड्स मर्चेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष संतोष कुमार अग्रवाल, सचिव प्रताप मोटवानी, अनाज व्यापारी प्रभाकर देशमुख, जयेश शाह, राकेश माधरानी, रमेश उमाठे, सचिन काशीकर, दिलीप सच्चानी, सुभाष अग्रवाल व व्यापारी गण उपस्थित थे। उपरोक्त जानकारी प्रेस विज्ञप्ति द्वारा उपाध्यक्ष अर्जुन दास आहूजा ने दी।
शहर और नागपुर जिले में शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मचारियों के लंबित मुद्दे पर महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद के पदाधिकारियों और शिक्षक विधायक नागो गाणार के साथ बैठक हुई। बैठक में 40 मुद्दों पर चर्चा हुई और कुछ मुद्दों का तत्काल समाधान किया गया। इसमें मान्यता मामलों, सेवानिवृत्ति मामलों, सेवानिवृत्ति उपदान चिकित्सा भुगतान, GPF अंतिम निकासी मामलों, GPF, DCPS और NPS प्राप्तियों और कुछ व्यक्तिगत मामलों पर चर्चा हुई। शिक्षा अधिकारी रविंद्र काटोलकर ने मामले को 15 दिन के भीतर निपटाने का आश्वासन दिया। बैठक में नागपुर नगर अध्यक्ष सुभाष गोतमारे, कार्यवाहक सुधीर वारकर, नागपुर संभाग के शिक्षक विधायक नागो गाणार, जिला ग्रामीण अध्यक्ष मनीषा कुलारकर, कार्यवाहक अशोक हजारे, संभाग कार्यवाहक योगेश बान पाटले, प्रमोद बोधे, अनिल सावरकर उपस्थित थे। पेरोल अधीक्षक को निर्देश दिया गया है कि नागपुर जिले में अक्टूबर माह के शिक्षकों एवं शिक्षण स्टाफ का वेतन दिवाली से पहले दे। बैठक का संचालन नगर पदाधिकारी सुधीर वारकर और आभार दक्षिण के पदाधिकारी प्रमोद बोधे ने किया। सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक एवं मानव सेवा के लिए समर्पित नागपुर की अग्रणी संस्था सर्व मानव सेवा संघ के 77वीं शाखा का उद्घाटन संस्थापक अध्यक्ष सुभाष कोटेचा की अध्यक्षता में एवं राहुल केदार के हस्ते प्रधानमंत्री आवास योजना तरोड़ी में किया गया। इस अवसर पर कोटेचा ने उपस्थित सभी लोगों से निवेदन किया कि आप धन से भले ही सेवा न कर सके, लेकिन मन से और तन से सेवा कर सकते हैं। आपको सिर्फ मरीज को किसी भी प्रकार की बीमारी हो तो उसे मेरे पास भेजे और मैं उनको मुफ्त में या कम से कम खर्च में उनका उपचार कराकर देने की जिम्मेदारी लेता हूँ। हार्ट के ऑपरेशन, कैंसर सर्जरी, ऑर्थो सर्जरी मुफ्त में किए जाते हैं। साथ ही MRI, सिटी स्कैन, MRR में 50% का डिस्काउंट करा दिया जाता है। पैथोलॉजी में 20-30% का डिस्काउंट हो सकता है। केवल आपको पेशेंट की सूचना संस्था के हेड ऑफिस में देनी है। इसी प्रकार से हम मानव सेवा का कार्य कर सकते हैं। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एवं विदर्भ में कुल मिलाकर 77 शाखाएं हो चुकी हैं, जिनके माध्यम से प्रतिवर्ष 6,000 से 7,000 पेशेंट को मदद मिलती है। करवा चौथ ये एक भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण त्योहार है। ये पर्व विशेषतः सौभाग्यवती स्त्रियां मनाती हैं। सौभाग्यवती महिला उस दिन अपने पति की लंबी उम्र और अच्छी सेहत की मनोकामना करती है। उस दिन उनका साज श्रृंगार देखने लायक होता है और इस दौरान उन्हें खूबसूरत गहनों का मुख्य आकर्षण होता है। इस दौरान रोकड़े ज्वेलर्स में गहनों की खरीदारी के लिए काफी भीड़ देखी जाती है, क्योंकि जब करवा चौथ की खरीदारी की बात आती है तो सबके जुबान पर सिर्फ रोकड़े ज्वेलर्स का नाम आता है। करवा चौथ के लिए गहने उत्कृष्ट गुणवत्तापूर्ण और बहुत आकर्षक होने चाहिए, ऐसे हर महिला का मानना होता है। कई बार मन चाहे आभूषण एक जगह न मिलने पर भी ग्राहकों को नाराजगी होती है। हालांकि नागपुर वासियों को शादी के गहने खरीदते समय कभी भी इन कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा है और भविष्य में ऐसा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वे जानते हैं कि जब गहने खरीदने का समय आता है तो एक ही छत के नीचे सभी खूबसूरत गहने उन्हें रोकड़े ज्वेलर्स में मिलने वाले हैं। इसी के साथ रोकड़े ज्वेलर्स हमेशा ग्राहकों के लिए नए नए उपक्रम और फेस्टिवल लेके आते हैं। इस वित्तीय वर्ष के अगले 5 महीने शेष हैं। सभी कार्यकारी एजेंसी अपने विभाग के प्रस्ताव 15 नवंबर तक उचित योजना के साथ प्रस्तुत करें। इस आशय के निर्देश जिले के पालक मंत्री डॉ. नितिन राउत ने कलेक्ट्रेट के बचत भवन में आयोजित जिला योजना समिति की बैठक में दिए। इस अवसर पर कलेक्टर विमला आर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी योगेश कुंभेजकर, जिला योजना अधिकारी राजेश गायकवाड़ उपस्थित थे। पालक मंत्री ने कहा कि कोविड महामारी के कारण सभी विभागों का काम बाधित हुआ है और अब जबकि कोरोना का असर कम हो गया है तो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में योजनाओं के काम में तेजी लाई जाए। नवोन्मेषी योजनाओं वाली लंबित योजनाओं के प्रस्ताव तत्काल प्रस्तुत करें। गढ़चिरौली जिले जैसे दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में मॉड्यूलर प्रसूति केंद्र शुरू किए जाए। इस संबंध में एक व्यापक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेगी। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के कारण जो मरीज कोरोना से ठीक हुए हैं उनमें म्यूकर माइकोसिस का प्रादुर्भाव हुआ है। उन्होंने कहा कि चिकित्सा विभाग को एक पोस्ट कोविड सेंटर स्थापित करने के लिए जिला योजना समिति को एक पूरा प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहिए। राज्य में पुलिस बल के सशक्तिकरण के साथ साथ अपराध के बदलते स्वरूप को ध्यान में रखते हुए अपराध की जांच के लिए आधुनिक तकनीक और उपकरणों के उपयोगों को बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। ये कहते हुए गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने शुक्रवार को कहा कि आवश्यक जनशक्ति उपलब्ध कराने के लिए पुलिस दल में भर्ती की जा रही है। वे नागपुर के वनमती हॉल में पुलिस विभाग के विभिन्न भवनों के उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे। इस अवसर पर पालक मंत्री डॉ. नितिन राउत, विधायक अभिजीत वंजारी, पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार,
संयुक्त पुलिस आयुक्त अस्वती दोरजे, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त सुनील फुलारी, नवीन चंद्र रेड्डी मंच पर मौजूद थे। इस अवसर पर महाराष्ट्र राज्य पुलिस आवास एवं कल्याण निगम के महानिदेशक एवं प्रबंध निदेशक विवेक फंसालकर भी उपस्थित थे। गृह मंत्री पाटिल ने कहा कि राज्य पुलिस दल कर्तव्य दक्ष और व्यापक है। कोविड काल में पुलिस दल का उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा। सरकार ने विपरीत परिस्थितियों में भी ड्यूटी पर तैनात रहने वाले पुलिस जवानों के साथ मजबूती से खड़े रहने का फैसला किया है। जल्द ही राज्य में 1,00,000 पुलिस आवासों का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए इस साल के बजट में 700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नागपुर सड़क, रेल और हवाई परिवहन से जुड़ा है, इसलिए ये शहर लॉजिस्टिक की राजधानी बनने की क्षमता रखता है। वर्धा जिले से सटे सिंधी रेलवे में ड्राईपोर्ट के तहत मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के निर्माण से स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। इस परियोजना के माध्यम से कंटेनर निर्मित लॉजिस्टिक्स व्यवसाय वृद्धिगत होगा। इस आशय के विचार केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने व्यक्त किए। होटल सेंटर पॉइंट में JNPT और राष्ट्रीय राजमार्ग रसद प्रबंधन के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस अवसर पर वे बोल रहे थे। वर्धा के पालक मंत्री एवं राज्य के पशुपालन मंत्री सुनील केदार, नागपुर के महापौर दयाशंकर तिवारी, सांसद रामदास तड़स, वर्धा जिला पंचायत अध्यक्ष सरिता गाखरे, JNPT अध्यक्ष संजय सेठी, प्रकाश गौड़, निदेशक के सत्यनाथन, सुमन प्रसाद सिंह, संयुक्त सचिव रसद, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ऋचा खरे, मंडल प्रबंधक मध्य रेलवे इस अवसर पर उपस्थित थे। गडकरी ने कहा कि सिंधी रेलवे में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के माध्यम से निर्यात के अवसर उपलब्ध होंगे। नागपुर देश के 35 मल्टी मॉडल पार्कों में से एक है और यहां स्थापित विभिन्न उद्योगों और व्यवसायों के माध्यम से भविष्य में रोजगार के अवसर मिलेंगे। 21 अक्टूबर पुलिस शहीद दिन के अवसर पर राज्य रिजर्व पुलिस दल की ओर से शहीद जवानों के निवास स्थान पर जाकर श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान अपर पुलिस महासंचालक चिरंजीव प्रसाद, राज्य रिजर्व पुलिस गढ़ 4 के समुपदेशक पंकज ढहाणे द्वारा, पुलिस उपनिरीक्षक M.K. राठौड़, सुनील सरोदे, प्रशांत ठाकरे, इकबाल शेख ने वर्ष 1988 में गढ़चिरौली जिले के भामरागढ़ में नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ में शहीद हुए गढ़ 4 के पुलिस सिपाही लाल बाबू रामलाल सिंह के वैशाली नगर टिकडोह के निवास स्थान पहुंचे और शहीद लाल बाबू जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें अभिवादन किया। इस दौरान शहीद की विधवा पत्नी कृष्णा देवी और परिवार के सदस्यों ने भी शहीद लाल बाबू सिंह को श्रद्धांजलि दी। रनाला ग्राम पंचायत सरपंच सुवर्णा प्रशांत साबरे की अध्यक्षता में रुक्मिणी मंदिर सभागार में आयोजित ग्राम सभा में विभिन्न मुद्दों के साथ महावीर नगर स्थित हवेली बार एंड रेस्टोरेंट की अनुमति निरस्त किए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया। ज्ञात हो कि रनाला पंचायत के महिलाओं ने ग्राम संरक्षण दल, दारूबंदी महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष व कामठी नगर परिषद की पूर्व अध्यक्ष माया चौरे के मार्गदर्शन में महावीर नगर कलमना रोड पर खुले हवेली बियर बार को हटाने की मांग कई माह से उठाई जा रही थी, जिस पर गुरुवार को सरपंच प्रशांत सुवर्णा साबरी की अध्यक्षता में पंचायत के नुमाइंदों ने महिला सभा में हवेली बार हटाने का प्रस्ताव पास कर दिया था। रनाला ग्राम पंचायत के सचिव राजू फरकाड़े ने बताया कि रनाला ग्राम पंचायत अब राज्य उत्पादन शुल्क विभाग अधीक्षक समेत जिलाधिकारी, तहसीलदार, खंड विकास अधिकारी से बियर बार का हटाने का ग्राम सभा का पारित प्रस्ताव की प्रतिलिपि साधर कर हवेली बियर बार निरस्त करने की गुहार लगाएगी। महिलाओं का रास्ते में चलना मुश्किल हो रहा है, साथ ही शराबियों के हुड़दंग से गांव के लोगों को भी परेशानी हो रही है। महिलाओं ने चेतावनी दी थी कि यदि बियर बार को हटाने की पहल नहीं की तो प्रताड़ित महिलाएं सड़क पर विरोध प्रदर्शन करेगी। सरपंच परिषद संगठन के कामठी तालुका अध्यक्ष व खैरी ग्राम पंचायत के सरपंच बंडू कापसे ने आज गुरुवार को रेजिडेंट डिप्टी कलेक्टर विजया बनकर से मुलाकात कर नुकसान भरपाई की मांग करते हुए शिकायत की है कि कोराडी महाजेनको के अंतर्गत आने वाला खसाड़ा राख बांध फटने से राख व केमिकल युक्त पानी खसाड़ा, मसाड़ा, कवठा, खैरी, वारे गांव के किसानों के फसलों का हो गया है। साथ ही राख व केमिकल मिश्रित पानी से गांव कुएं के पानी प्रदूषित हो गए हैं। उक्त शिकायत पर उपजिलाधिकारी विजय बनकर ने सरपंच बंडू कापसे को आश्वासन दिया कि संबंधित विषय पर जांच कर उचित कार्यवाही करते हुए समस्या का समाधान कारक निवारण किया जाएगा। खापरखेड़ा क्षेत्र में हर साल की तरह विविध जगह आमतौर पर कोजागिरी के दिन सार्वजनिक आयोजनों की धूम रही। परिसर में घरेलू तथा कॉलोनियों में एवं अन्य प्रतिष्ठानों में कोजागिरी पूर्णिमा उत्सव मनाया गया। इस साल की विशेषता ये है कि कोजागिरी पूर्णिमा के दिन हिंदुओं की कोजागिरी पूर्णिमा उत्सव और मुस्लिम बंधुओं द्वारा इसी दिन ईद ए मिलादुन नबी मनाई गई। दोनों त्योहारों में सार्वजनिक तौर पर दूध से बने व्यंजनों का आनंद लिया गया। एक और दूध तो दूसरी और खीर का लुफ्त उठाया गया। इस साल कोरोना के चलते विगत 2 वर्षों से सादगी से त्योहार मनाया जा रहा।
जिसके चलते चिचोली, खापरखेड़ा, चनकापुर, वलनी, सिल्लेवाड़ा परिसर में एमएससीबी कॉलोनी, वेकोली कॉलोनी में एवं निजी तौर पर घर पर कोजागिरी पूर्णिमा उत्सव मनाते हुए पूर्णिमा के चांद दूध में देखकर उसे घोटा गया और किसी किसी ने नाश्ता खाना बनाकर व्यंजनों का स्वाद लिया एवं मसाला दूध का वितरण किया गया। इतना ही नहीं, विविध कार्यक्रम के आयोजन में संगीत कुर्सी, गीत गायन एवं अन्य मनोरंजन कार्यक्रम सादगी के साथ किए गए। इसमें वीणा वासनिक, तारा नायडू, गुड्डू इमनाते, यादव पाटिल, चंद्रपान जलते, श्री कौरती, पंकज मेश्राम एवं अन्य लोगों का सहयोग था। नागपुर मध्यवर्ती कारागृह में सजा काट रहे कैदियों द्वारा तैयार की गई विभिन्न कलाकृतियों की प्रदर्शनी व बिक्री केंद्र का उद्घाटन उप महानिरीक्षक स्वाति साठे द्वारा किया गया। इस अवसर पर कारागृह शासकीय निवास स्थान में रह रहे ज्येष्ठ नागरिक अशोक यादव व कांताबाई यादव की मुख्य उपस्थिति रही। ये प्रदर्शनी सुबह 8 से रात 9 बजे तक शुरू रहेगी। यही कैदियों द्वारा बनाए गए मिट्टी की दिए, आकाश दिए, लकड़ी के छोटे फर्नीचर व शोपीस, लोहे के फर्नीचर, कॉटन से बुने गए मोदी जैकेट, नेहरू जैकेट, कुर्ता पैजामा, दरिया, आसान पट्टी, कपड़े, टॉवेल, शर्ट आदि वस्तुएं बिक्री के लिए उपलब्ध है। इस अवसर पर जेल एसपी अनूप कुमार कुमरे, उप अधीक्षक दीपा आगे, सीनियर जेल अधिकारी संजय गुल्हाने, कारखाना मैनेजर विकास रजलनवार, आनंदा कांदे, बीपी चौहान समेत अन्य सभी वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति रही। एडीजी साठे ने लोगों से अपील की है कि वे कैदियों द्वारा तैयार किए गए इन सामानों से दिवाली का त्यौहार मनाएं। कैदियों को रोजगार के लिए तैयार करने के उद्देश्य से जेल प्रशासन द्वारा ये काम करवाया जाता है। ऐसे में कैदियों के हौसला अफजाई के लिए उनकी मेहनत से बनाए गए दिए व अन्य सामानों की सम्मान के साथ बिक्री भी जरूरी है। 1 नवंबर को प्रारूप सूची का प्रकाशन किया जा रहा है और इस दौरान विशेष शिविर का आयोजन किया जाएगा। इसमें नए मतदाताओं एवं विकलांग मतदाताओं के पंजीकरण को प्राथमिकता देकर मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जन भागीदारी से अभियान को सफल बनाएंगे। ऐसी सूचना प्रमुख सचिव एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्रीकांत देशपांडे ने दी। उन्होंने कहा कि 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवाओं को 1 जनवरी 2022 को मतदाता सूची में शामिल किया जाए। कलेक्ट्रेट के बचत भवन हॉल में नागपुर मंडल चुनाव विशेष समीक्षा कार्यक्रम की समीक्षा बैठक हुई। वे उस बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में जिला कलेक्टर विमला आर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभेजकर, संभागीय उपायुक्त आशा पठान, एनएमसी के अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी, उप जिला चुनाव अधिकारी मिनल कलसकर, तहसीलदार राहुल सारंग और जिले के उप जिला चुनाव अधिकारी उपस्थित थे। राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में 16 नवंबर को विशेष शिविर का आयोजन किया गया है। इसमें मतदाता सूची का वाचन किया जाएगा। शिविर में नए मतदाता भी दर्ज होंगे। गांव से बाहर चली गई विवाहित महिलाओं के नाम सूची से हटाए जाएंगे तथा शादी के बाद बाहर गांव में आने वाली महिलाओं का पंजीकरण किया जाएगा। रायसोनी समूह के SGR नॉलेज फाउंडेशन द्वारा मंगलवार 26 अक्टूबर को नेताजी डेड अलाइव भारत का सबसे बड़ा कवर अप एक परिसंवाद का आयोजन किया गया है। इस विषय पर अपने विचार रखने हेतु प्रसिद्ध लेखक अनुज धर को आमंत्रित किया गया है। अनुज धर सुभाष चंद्र बोस से संबंधित अपने शोध निबंध के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने 2012 की बेस्ट सेलिंग पुस्तक इंडियाज बिगेस्ट कवर अप के नेताजी फाइलों के सार्वजनिकीकरण के लिए आंदोलन को गति दी थी तथा एक प्रसिद्ध वेब सीरीज बोस डेड अलाइव को प्रेरित किया। धर ने 2018 में योर प्राइम मिनिस्टर इज डेड ये पुस्तक लिखी, जो लाल बहादुर शास्त्री मृत्यु रहस्य का पहला व्यापक अध्ययन है। व्याख्यान चिटनवी सेंटर सिविल लाइन्स नागपुर में शाम 6 बजे आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में प्रवेश निःशुल्क है तथा प्रथम आने वालों को प्राधान्य दिया जाएगा। कार्यक्रम में कोरोना महामारी के रोकथाम के लिए जारी किए गए दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाएगा। युवाओं तथा जनता ने इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर लाभ उठाने का निवेदन आयोजकों द्वारा किया गया है। बिजली उपकरणों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न निवारक उपाय जारी किए गए हैं। अगर इस पर अमल किया जाए तो निश्चित तौर पर इस तरह के हादसों से बचा जा सकता है। इसीलिए ऐसे उपायों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए। ऐसा आह्वान ऊर्जा मंत्री डॉ. नितिन राउत ने किया। वे यहाँ फायर एंड सिक्योरिटी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नागपुर चैप्टर द्वारा आयोजित संगोष्ठी में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ महीनों में बिजली के शॉर्ट सर्किट के कारण हुई दुर्घटनाओं में कई लोगों की जान चली गई। इन घटनाओं को निश्चित रूप से टाला जा सकता था। विद्युत उपकरणों का उपयोग करते समय दुर्घटनाओं को रोकने के लिए निवारक उपाय आवश्यक है। ऊर्जा मंत्री के रूप में मैंने खुद पहल की और उत्तम शासन का निर्णय जारी किया था। अब ये प्रभावी ढंग से लागू करने की आवश्यकता है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे
नागपुर रेल मंडल के दरेकसा सालेकसा के मध्य मालगाड़ी के ड्रिलमेंट के कारण इतवारी गोंदिया डोंगरगढ़ दुर्ग मध्य ट्रेनों का परिचालन रद्द रहेगा। दुर्ग गोंदिया स्पेशल, गोंदिया दुर्ग स्पेशल, गोंदिया इतवारी स्पेशल, इतवारी गोंदिया स्पेशल, रायपुर डोंगरगढ़ स्पेशल, डोंगरगढ़ बिलासपुर स्पेशल, रायपुर डोंगरगढ़ स्पेशल तथा तुमसर रोड तिरोड़ी स्पेशल गाड़ी प्रभावित रहेगी। इसके अलावा कल 24 अक्टूबर को डोंगरगढ़ रायपुर स्पेशल रद्द रहेगी तथा गोंदिया झारसुगुड़ा गाड़ी को आज गोंदिया के स्थान पर दुर्ग से रवाना किया जाएगा। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए निर्भया योजना के तहत मानव डीएनए नमूनों के परीक्षण हेतु 3 फास्ट ट्रैक डीएनए परीक्षण यूनिट का उद्घाटन किया। इससे आपराधिक मामलों की जांच की दक्षता में वृद्धि होगी। आरएफएसएल अधिकारियों ने कहा कि ये नई समर्पित सुविधाओं के उपलब्ध होने के कारण बच्चों और महिलाओं से जुड़े यौन शोषण के मामलों की जांच में अब देरी नहीं होगी। चूंकि फोरेंसिक विज्ञान आपराधिक जांच का एक विभिन्न अंग बन चुका है, इसीलिए पुलिस विभाग ने परीक्षण के लिए फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं को आपराधिक मामलों में अभियुक्तों या पीड़ित व्यक्तियों के संभावित डीएनए नमूने भेजने शुरू कर दिए हैं। जैसे जैसे भेजे गए नमूनों की संख्या बढ़ रही है, वैसे वैसे राज्य भर में तमाम फोरेंसिक प्रयोगशालाओं पर भी बोझ बढ़ गया है, जिससे परीक्षण की अवधि में देरी हो जाती है। हालांकि महत्वपूर्ण या संवेदनशील मामलों को बाकी मामलों के मुकाबले प्राथमिकता दी जा रही है। इन दिनों कई मामले फोरेंसिक रिपोर्ट के नतीजे पर निर्भर होते हैं, क्योंकि उनका उच्च साक्ष्य मूल्य होता है। आरएफएसएल के एक अधिकारी ने कहा, आरएफएसएल नागपुर को समर्पित जनशक्ति प्रदान की गई है ताकि महिलाओं और बच्चों से जुड़े यौन शोषण के मामलों के जांच में ज्यादा देरी न हो। तो नागपुर हलचल में आज इतना ही, आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज़। नमस्कार।